समीक्षा भवन में अनुश्रमण समिति सह निगरानी समिति की बैठक में भाग लेने भागलपुर के प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन पहुंचे। मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल सहित जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद थे। वही बैठक के दौरान बाढ़ से बचाव को लेकर की जा रही तैयारियों पर समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री राम सूरत राय ने कई आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को। बैठक के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि वे पहली बार अनुश्रमण समिति की बैठक में भाग लेने भागलपुर आए हैं और बैठक के दौरान बाढ़ से बचाव को लेकर किया जा रहा है और तैयारियों पर चर्चा की। इसके साथ ही अधिकारियों को बचाव को लेकर हमेशा तैयार रहने की बात कही। मंत्री ने कहा भागलपुर जिले के 16 में से 15 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए प्रशासन को मुस्तैद रहने की हिदायत दी। वही मंत्री द्वारा अब तक भागलपुर जिले के कटाव प्रभावित क्षेत्र खरीक प्रखंड के चौराहर में कटाव प्रभावित लोगों के खाने के लाले पड़ने की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को प्रभावित इलाके में सामुदायिक रसोई चलाए जाने का निर्देश दिया और साथ ही प्रभारी मंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहयोग राशि देने की बात। बैठक जिला प्रभारी होने के नाते आज पहला बार मौका मिला है। भागलपुर की धरती पर भागलपुर की जनता को मैं नमस्कार करता हूँ, धरती का वंदन करता हूँ। आज मुख्य रूप से जो हमारे इस सभी अंचलों में 16 प्रखंड है, जिसमें 15 प्रखंड में बाढ़ प्रभावित इलाका है, सभी जगह समीक्षा किया गया है और बाढ़ के समय जो उचित होना चाहिए व्यवस्था, फ्लड फाइटिंग का व्यवस्था, नाव का व्यवस्था, पोलिथीन सीट का व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं का मैंने ऑनलाइन पिछले बार 9 तारीख यानी 6 महीना में हमने बैठक किया था और आज फिजिकली बैठक हुआ है। कोरोना काल के कारण बैठक नहीं हो पा रहा था। संतोषप्रद जानकारियाँ मिली हैं और जहाँ जहाँ माननीय सदस्यों ने कुछ समस्या बताया है वो डीएम ने अपने नोटबुक में लिखा और सब जगह उस काम को करवाने का प्रयास किया जाएगा। सर, लगातार हो रहा है, कटाव एक प्राकृतिक आपदा है, कटाव हो रहा है लेकिन सरकार उस पर चिंतित है, बचाने का भी कई एक जगह काम हुआ। माननीय विधायक शैलेंद्र जी ने बताया कि वहाँ पर बचाव भी हुआ है, जहाँ भी स्थापित हो रहे हैं उन लोगों को मैं बैठाने का और व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो जो समुचित व्यवस्था हो सके मैं तैयारी करवा रहा हूँ। जो जिनका घर कट चुका है उनको भोजन नहीं पहुँच रहा सर, ये सच्चाई है? ऐसी जानकारी अगर आ गई है, अगर इसमें कोई विडम्बना है कि भाई कटाव हो गया, भोजन नहीं मिला, इमीडिएट मैं अभी आदेश देता हूँ डीएम को। अगर जगह का नाम बताइए। चौराहर, खरीक चौराहर। खरीक चौराहा, चौराहर सर के ठीक अभी बोलते डीएम साहब, इधर आइए। कटाव हुआ है वहाँ पर, भोजन का व्यवस्था नहीं हो रहा है, वहाँ सामूहिक किचन चला के उसका भोजन व्यवस्था करवा दी। कितने घर हैं सर? लगभग 130 घर हैं। मैंने कह दिया चालू हो जाए। और क्या नहीं दिया? अभी तो पहली बार आया हूँ और कल बता दूँ आप सबों को, कल हमारा प्रमंडलीय बैठक अपना विभाग का है, राजस्व भूमि सुधार विभाग का है, तो कल सुबह 11 से लेकर 4 बजे तक बैठक वो अलग चलेगा और आज पहला बैठक है। R9 भारत के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट, भागलपुर। बिहार में जिस तरीके से सुशासन बाबू के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वह दावे धरातल पर पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इनके महत्वाकांक्षी नल जल योजना की। कहीं नल नहीं तो कहीं पर जल नहीं, ऐसा नजारा बिहार के लगभग सभी जिलों में दिखाई देने को मिल रहा है। वहीं ऐसा ही मामला बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड के सहियार गाँव में निकलने कर सामने आए, जहाँ पर पानी के लिए वर्षों से लोग आस लगाए हुए हैं लेकिन उन लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ है। हालांकि नल जल योजना के अंतर्गत टंकी बन चुकी है, लोगों के घर तक पाइप भी जा चुके हैं लेकिन पानी नहीं है, टंकी पर ताला जड़ा हुआ है। यही नहीं, उस टंकी से लोगों के घर तक तो पानी जाता ही नहीं बल्कि निजी खेतों की सिंचाई होती है। इसके बारे में जब हमने ग्रामीणों से पूछताछ की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। टंकी है? हाँ। पानी मिलता है आप लोगों को? ना। कब से नहीं मिलता? जब से चालू भाई लागल तब से चालू नहीं हुआ है, पानी नहीं मिलता। पानी नहीं मिलता, इसको लेकर के बड़ी अधिकारी से बात किए थे? ना, हम लोग नहीं किए थे। मुखिया जी से? मुखिया जी कहते हैं चाल बटे। मुखिया जी का चाल इसमें? हाँ। क्या कहते हैं मुखिया जी? मुखिया जी क्या, आपने अपने द्वार पर चालू कर लिया है और नहीं किया है, और यहाँ पे चालू नहीं हुआ है? चालू भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो बिना पानी के आप लोग जिंदा रह जाते हैं? तो क्या करें, जैसे कल फल है उस चलता है। क्या नाम है आपका? हमारा ददन गोड़ नाम। वार्ड कौन सा? 10 नंबर। इसी वार्ड का है? हाँ, इसी वार्ड का। वार्ड मेंबर क्या बोलते हैं इसके बारे में? वार्ड मेंबर तो कुछ नहीं बोलते हैं। ये जो टंकी आपके पीछे दिख रही है जी, क्या पानी आता है इसमें से? नहीं, पानी नहीं आता है। कब से पानी बंद है? ये लगा है एक साल हो गया लेकिन अभी तक इसका कनेक्शन भी पूरा नहीं हुआ। इसको लेकर के मुखिया जी से बात किए थे कि पानी नहीं आ रहा? मुखिया जी से बात हुआ है लेकिन अभी तक इसका कोई संदेह नहीं हुआ।
क्या मुखिया जी क्या बोले हैं? मुखिया जी बोले कि अभी काम होगा, लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो एक साल तक लॉकडाउन ही लगा रहेगा तो पानी से बेघर रहेंगे हम लोग? हाँ, पानी से बेघर रहेंगे। चारों तरफ की टंकी चालू हो गई है, बस यही चालू नहीं हुई। वार्ड कौन सा है ये? ये 9 नंबर वार्ड है। वार्ड मेंबर कौन है इसके? रघुवर है। वो क्या बोलते हैं, क्या जवाब उनका है? वो भी यही कह रहा है कि लॉकडाउन के बाद चालू होगा। लॉकडाउन के बाद चालू होगा। आपका नाम? रुद्र श्रीवास्तव। R9 भारत के लिए राकेश पांडे की रिपोर्ट, बक्सर। मुंगेर के असरगंज प्रखंड के लदौवा मोड़ स्थित शिवम होटल के असरगंज प्रखंड के जनता दल यू का समीक्षा बैठक प्रखंड अध्यक्ष कृष्णानंद सिंह उर्फ दारा सिंह की अध्यक्षता में की गई। कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रखंड अध्यक्ष विनोद ठाकुर ने किया। बैठक के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन विजय कुमार सिंह एवं जिला जदयू अध्यक्ष संतोष साहनी थे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि तारापुर के दिवंगत विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी के निधन के बाद तारापुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं में मायूसी आ गई है। इस मायूसी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर तारापुर विधानसभा का विभिन्न प्रखंड में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को रूबरू होकर यहां के ज्वलंत समस्याओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव अभी से होने की कार्यकर्ता में एक सूत्र में बंधे रहे। जब भी चुनाव होगा पार्टी आलाकमान जिनको टिकट देगी जदयू के सभी कार्यकर्ता एकमुश्त होकर चुनाव जीतकर उसको बिहार विधानसभा भेजने का काम करेंगे। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि क्षेत्र में कोई भी समस्या हो तो आप से बात कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस मौके पर इंजीनियर रवि प्रकाश, राजीव कुमार सिंह, इंजीनियर रोहित चौधरी आदि सभी उपस्थित रहे। पटना से चले और जदयू के तमाम कार्यकर्ता पटना से ही इनको स्वागत करते हुए माल्यार्पण करते हुए R9 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट, असरगंज, मुंगेर। मुंगेर के असरगंज प्रखंड क्षेत्र के कृष्णानंद मेमोरियल एकेडमी रहमतपुर में CBSE बोर्ड 10वें वर्ग का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी से असंतुष्ट छात्रों ने एम एकेडमी विद्यालय परिसर में अंक पत्र को फाड़ दिया तथा जमकर हंगामा किया। संत माइकल जमालपुर के साहिल कुमार, राजकरण कुमार, शिवम अमरदीप कुमार, प्रीतम कुमार, ऋषभ कुमार, सौरभ कुमार, जय हिंद कुमार आदि सभी छात्रों ने कहा कि हम लोग इस विद्यालय में मोटी रकम देकर रजिस्ट्रेशन कराए और फॉर्म भरे थे। परीक्षा की सफलता को लेकर कड़ी मेहनत भी किए थे लेकिन परीक्षा परिणाम में काफी गड़बड़ी की गई है। घटना की सूचना पर असरगंज थाना के SI विश्वनाथ प्रसाद सिंह विद्यालय पहुंचकर घटना की जानकारी ली और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। विद्यालय के सचिव अनिल कुमार सिंह ने कहा कि रिजल्ट ऊपर से बनकर आता है, यदि छात्र लोग परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वह इस माह से भी छात्र के लिए निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। हमारा घर जमालपुर में पहली बात, और हम लोग संत माइकल हाई स्कूल से हैं। हम लोग को रिजल्ट हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि किसी मतलब जिस बच्चे को फोर्स चार चार सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है उसे 75% आया हुआ है। तो हम लोग स्कूल गए, बात करने गए, सर से मिलने गए, सर से बात हुई आधा घंटा लगभग। उसके बाद सर ने हमको बताया कि आप यहाँ पर आ जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने 3 बार यहाँ पर भेजा रिजल्ट लेकिन यहाँ से उसको खारिज कर दिया गया। इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे आए, हम लोग के पास 10 मिनट बाकी था, हमने DMU पकड़ा जमालपुर से और यहाँ पे सुल्तानगंज उतर के हम लोग टोटो से यहाँ पे आ गए। और यहाँ से आने के बाद हमने सर से बात करना स्टार्ट किया। सर ने हमें सिर्फ वही दिखाया, CBSE का जो गाइडलाइन निकला था वो तो सर हम लोग इंटरनेट से भी निकाल लेंगे, वो तो पहले से भी था सर पास में। और जैसे ही हम लोग ने सर प्रश्न किया सर कि आप हमें दिखाइए, तो सर ने बोला नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, वो सब सील पैक्ड है। ठीक है सर, सील पैक्ड जो स्कूल से आया वो तो कम से कम दिखा सकते हैं आप। बोले नहीं, वो भी नहीं दिखाएंगे। उसके बाद सर हम लोग ने उसके बाद टीचर्स ने यहाँ पे जो स्टाफ है वो हमें बहुत जोर जोर से डांट डांट के बोलने लगे। तो हम लोग भी बोल रहे थे कि सर प्लीज़ हमें दिखा दीजिए। तो फिर सर हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसी में एक स्टाफ आए, पता नहीं नाम क्या है, वही आकर के मेरा हाथ मचोड़ दिए, मेरा मोबाइल गिराने का कोशिश किए। और एक और लड़का है उसके साहिल नाम है उसका, उसको धक्का दे दिया गया और सोनू का हाथ में नचोड़ दिया गया है और एक अमरदीप का गला में खरोच मार दिया गया है। यही सब जयंत राज हुआ। और इतना सब कुछ होने के बाद फिर हम लोग सर आपको कॉन्टेक्ट किया, पुलिस को कॉन्टेक्ट किया, पुलिस आई उसके सामने सर यहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने अपना रिजल्ट टोटली फाड़ दिया बिना दिखाए हुए, और इतना रूडली बात किया है सर आपको बता नहीं सकते हम लोग कि हम लोग पे क्या बीत रहा है। हम लोग को सर जितना डिजर्विंग है उतना भी नहीं मिल रहा है। और फिर सर बात रहा जहाँ तक कि हम लोग का सर
सब्जेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। पटना में मेरा दोस्त है सर, दो पटना में उसने जेई नीट की तैयारी करने के लिए सर पैसा दे चुका है, 11th कर रहा है। यहाँ से बोला जा रहा है कि 10th का तुम फिर से एग्जाम दे दो। कैसे दे सर, 4 महीना हो गया है हम लोग 11th का पढ़ रहे हैं, अब कुछ दिन बाद सर 11th का हाफयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। सर हम 11th देंगे या फिर 10th का देंगे? स्कूल का रिजल्ट CBSE के सर्कुलर के हिसाब से बना हुआ है और ये सर्कुलर नंबर लेटर जो है CBSE के द्वारा जारी किया गया था 1/5/21 को, उसी को 100% ध्यान में रख के बच्चे का सभी का रिजल्ट बनाया गया है। और सर्कुलर के हिसाब से रिजल्ट बनाने के बाद इसकी जो रिजल्ट कमेटी थी उन्होंने सारे रिजल्ट को सील कर दिया, चूँकि ये गाइडलाइन था, वो हम तोड़ के सील बच्चे को नहीं दिखा सकते। बच्चे को समझाने के बावजूद भी बच्चे इस बात को नहीं मान रहे थे, विद्यालय में उपद्रव कर रहे थे, धांधली कर रहे थे, उनको समझा बुझा दिया गया है। बाकी यदि वो रिजल्ट से असंतुष्ट हैं तो वो फिर से 2 से 4 दिन में लिंक CBSE दे रही है, आप उसमें पैसा भी नहीं लगना है बच्चे का, उस पर आप फॉर्म फिलअप कीजिए और एग्ज़ाम फेस कीजिए, 1 विषय 2 विषय जितने विषय का देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, अपना रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं, ये बेबुनियाद बात है छात्रों का, हत्थापाई क्यों किया जाएगा? ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ हत्थापाई का कोई जगह नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपका सर परिचय? मेरा नाम ऋषि कांत सिंह है, हम यहाँ के शिक्षक हैं। R9 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट, असरगंज, मुंगेर।